हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्रिक्स पाई के एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से लोकी सीरीज ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, तो दूसरी ओर टीवी का सच भी हमें है वो सामने आ रहा है। तो फ्रेंड्स, एपिसोड 5 की अगर हम बात करें तो यार उसके अंदर कितना इमोशंस था और कितने चीज़ें ऐसी थी कि यार हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्या सच में ये भी हो सकता है क्या। अब ये क्या है मैं आपको चलिए बताता हूँ। लेकिन इससे पहले वो जो लाल कलर का बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब का, नन्हा सा मुन्हा सा प्यारा सा, उसको करके दबा दो फटाफट से। तो फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 5 की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर एपिसोड नंबर 4 का हमें पोस्ट क्रेडिट सीन है वो दिखाए गए थे। यानी कि हमारे लोकी भैया पहुंच चुके हैं वॉइड नाम की जगह पर, जहां पर वो दिखते हैं उसे चार लोकी। जो पहला वो छठा सा नन्हा सा प्यारा सा बिल्कुल नहीं है, और वो दूसरा फ्यूचर वाला लोकी, और थर्ड वो तगड़ा वाला लोकी जिसके पास थोर जैसा ही हथौड़ा है, और दोस्तों चौथा मगर लोकी। वो चारों चार लोकी उसके सामने ही खड़े हैं, और वो चारों चार लोकी है वो हमारे लोकी से कहते हैं कि चलो तुम हमारे साथ चलो, वरना वो जो क्लाउड मॉन्स्टर एलियोथो शायद यही है नाम, वो मार डालेगा। इसलिए दोस्तों वो लोकी है वो चारों लोकी के साथ है, वो चल पड़ता है। तो दूसरी ओर सेल्वी है, वो जज रवाना से पूछती है कि टीवी का रचयिता कौन है, और लेकिन वैसे जज रवाना का भी पता नहीं होता है कि टीवी का रचयिता आखिर है कौन। लेकिन जज रवाना सेल्वी को बताती है कि वो जो सभी को डिस्ट्रॉय करती है वो वॉइड नाम की जगह पर पहुंच जाती है। सेल्वी भी है वो वहां पर खुद को ही डिस्ट्रॉय करके वो वॉइड नाम की जगह पर पहुंच जाती है। बाद में फ्रेंड्स सभी लोकी है वो उस जगह पर एक साथ जा रहे होते हैं, उसमें से हमारा लोकी है वो छोटा लोकी को पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे इस टाइमलाइन में फंसे। तो वो बताता है कि मैंने थोर को मार डाला। अब ये किया ये यही बस एक देखने को बाकी रह गया था यार, थोर को थंडर के देवता को यार मार डाला हो सकता है, क्योंकि यार ये लोकी है कुछ भी कर सकता है। और भी यार जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो यार इस एपिसोड में मुझे देखने को मिला कि वहाँ पर थोर का हथौड़ा पड़ा हुआ है, और थोर एक जहाज के नीचे वो फंसा हुआ है यार एक बोतल में। वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो ओरिजिनल थोर नहीं है, बल्कि एक थोर का वेरिएंट है जो इस टाइमलाइन में फंस गया है, जो उससे पहले वो किसी टाइमलाइन में उसने छेड़छाड़ की होगी और बाद में टीवी वालों ने उसे पकड़कर इस वॉइड की जगह पर उसने डाल दिया। तो वो एक थोर का वेरिएंट है, कोई ओरिजिनल थोर नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो सभी लोकी है वो अपने अपने स्टोरी है यहाँ पर सुना रहा है। तो यहाँ पर हमारा लोकी है वो गुस्से में थोड़ा सा आ जाता है, और थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वो ऑकवर्ड हो जाता है, और उसे इस जगह से उसे बाहर निकलना है किसी भी तरीके से। तो दूसरी ओर यहाँ पर दोस्तों सेल्वी भी आ चुकी है, वहाँ पर उसे मोबियस मिलता है, और सेल्वी का सामना होता है वो उस मॉन्स्टर एलियोथ थे, और उसे पता चलता है कि एलियोथ उसे सामना करा, और उसे कुछ पता चलता है टीवी के बारे में, जो टीवी का थोड़ा सा सच उसे दिखता है। लेकिन उससे और भी जानना था, लेकिन वो सामना नहीं कर पाई। उसे मोबियस मिलता है और आगे वो गाड़ी लेकर चल पड़ते हैं आगे। अब सिल्वी और लोकी दोनों ही अब एक साथ हो चुके हैं, और सभी लोकीज और मोबियस और सभी एक साथ हो चुके हैं और सोच रहे हैं कि वो जो मॉन्स्टर है उसका सामना है वो कैसे करें, ताकि वो टीवी का सच भी जान सके और टीवी तक पहुंच भी सके और उस जगह से बाहर निकल सके किसी भी तरीके से। बाद में थोड़ा सा रोमांटिक एक सीन आता है जहाँ पर सिल्वी और हमारा लोकी एक साथ बैठे हुए हैं, यानी कि और अपनी अपनी फीलिंग है वो शेयर करना चाहते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी बोल नहीं पाता है, ऑकवर्ड हो जाते हैं थोड़ा सा। और वो सेल्वी पूछती है कि क्या तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना आगे जाकर। तो हमारे लोग भी जवाब देता है कि नहीं, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैंने अपने हर परिवार को धोखा दिया है, अपने भाई अपने परिवार को धोखा दिया है, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, वो ऐसा कहता है। लोकी का धोखा देना वो उसकी एक फितरत है, लेकिन शायद सेल्वी को वो धोखा नहीं देगा। अब देखते हैं आगे। और फ्रेंड्स वहीं पर दोस्तों पूरी सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाती है, और सेल्वी ही कि वो किसी भी तरीके से वो मॉन्स्टर को है वो काबू में करके टीवी का सच है वो उसमें से जानकर रहेगी। और दोस्तों पूरी प्लानिंग होने के बाद मोबियस अपने रास्ते टीवी चला जाता है, लेकिन उससे पहले मोबियस है वो लोकी भाई सब को एक जादू की झप्पी देकर जाता है, और सिल्वी की कहता है कि उसकी वो फेवरेट है। तो दोस्तों ये जो इमोशनल सीन है यार बहुत ही मज़ेदार आया यार, इतना इमोशनल कर दिया यार, मज़ा आ गया सच में कहूँ तो। यहाँ पर फ्रेंड्स कैसे भी करके लोकी और सिल्वी को वो मॉन्स्टर को हरा कर उसमें जो चल रहा है उसके कैसे भी करके जानना है। अब वो दोस्त आगे क्या होता है, वो क्या मॉन्स्टर को हरा पाएंगे दोनों, वो तो आप इस एपिसोड में देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आगे जो होता है वो आप देखना, क्या वो टीवी में फिर से जाते हैं वो तो हमें अगले ही एपिसोड में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होगा।
वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमारे सामने आ चुके हैं, लेकिन अब क्या होता है वो तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। ये पांचवा एपिसोड आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल को दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और नई मूवी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।